ये जी वैस का एक्सरे होने लगा है। व्यूअर्स टाइम थी पे 12 का, तो मैं तुम पता है राती आया तो राती सफ़र इंजॉय किया है। इंजन के बड़ा मज़ा आया, बारिश ही आ गई है। बारिश के अगे मैं उन्होंने सफ़र करें रहा, लेकिन जो राती मेरा सफ़र है बारिश के उस बड़ा मज़ा किया है। तो व्यूअर्स हूँ मैं उठिया नाश्ता माश्ता किया, तो चूंकि बारिश सवेर ही लगी हुई आई, मौसम बिल्कुल इन आई भाई एक लाख बारिश आई रात भी, तो सवेर तक बारिश रही है। तो हूँ मैं उठिया कटिंग शटिंग करवाई दोस्तों रात तक ही, क्योंकि मैं वेने तकरीबन 5 बजे का टाइम है मेरा, क्योंकि मैं तुम पिछले उस वीडियो भी दसाया भाई मैं वह पे दंदा की ट्रीटमेंट कराने वास्ते। तो चूंकि हूँ मैं दोस्तों गल की उन्हें आखिर डॉक्टर साहब असा डेट अगर गिधी हुई है, डॉक्टर साहब सन डेट दी है तकरीबन सारे जो टाइम है वो है तकरीबन असा महीने 6 बजे उस कोल पहुँचना है। तो सारा पहले एक्सरे वगैरह थी सी, एक्सरे तो बाद जी सारी ट्रीटमेंट उसी वो बाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाँ वैसे काम सारे तो मेरा यूट्यूब चैनल, आज की वीडियो शुरू करूँ तो पहले जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रहो ताकि मेरी आने वाली नवी वीडियो। इस वक्त मैं खला चांदनी चौक से, क्योंकि जो मेरा दोस्त है शुएब साहब वो आते पे मैं इंतजार कर पाया, क्योंकि जो डॉक्टर को बहना है वो डॉक्टर अबू उन्होंने दोस्त है, तो उन्होंने रेफरेंस नाल मैं इतने आया। क्योंकि रश ज़्यादा ही उन्होंने मैंने आखिया भाई दूरें ही आवाज, तो उस पास मैं अगर आना तो काफ़ी देर थी, मैं क्योंकि मेट्रो से आ गया तो मैं इस वक्त चांदनी चौक खला उन्होंने वेट कर पाया वो आने के वक्त सा मैंने डॉक्टर को। व्यूअर शुरू करें ट्रीटमेंट, क्योंकि एक क्योंकि मेरे जो है ना दो दांत निकलने भी हैं, तो वो थोड़े जो मैं उन्होंने डरवाया भाई निकल सन पत्नी कि कड़े सन इंजेक्शन लै सन, तो बड़ा उस थोड़े जो मैं डरवाया क्योंकि जी तारा लगनी उसका तो मैं टेंशन कौन ही, लेकिन जोड़ा जे दांत निकलते हैं उसकी मैं बड़ी टेंशन है। तो इस वक्त मैं उन्होंने इंतजार करते कल वो आने का अगला ट्रीटमेंट। इस वक्त असा कहते पे क्योंकि काफ़ी रश आई, तो 2 घंटे मैं 2 घंटे मैं उसे कल रहा, क्योंकि छोटी छोटी गली नहीं हो के शोएब भाई आए तो हूँ असा कहते पे, तो मैं थोड़ा थोड़ा डर भी लगा है क्योंकि दो जड़े हैं ना मेरे साइड वाले वो दांत निकलते हैं, तो वो निकल जी हाल है कटे सो। अच्छा सबसे पहले तेरा एक्सरे से सी, बाद तेरा इंप्रेशन के अनुसार इंप्रेशन लेके फिर वो भेजे थे मैडम के पास, मैडम उन्होंने स्टडी करे थे, स्टडी करके इस महीने जारी उन्होंने 8 से पेशेंट अपॉइंटमेंट हो सी ना, तो वो बस उस डेट तेरे सर के अनुसार वो भावें हफ्ते बाद करें दाल लेना बाद करें, तो अवैस को आपको आपको तकलीफ होगी। सबसे पहले जो दांत कटे हो सर वो कटे सर जहाँ स्केलिंग वगैरह होगी तो वो भी जो डॉक्टर पर मशवरा देंगे तो उस हिसाब से जो है ना। चेकअप करा के डॉक्टर साहब आ कहता है एक्सरे कराओ, एक्सरे चुन तो बाद पता लग सी फुल माउथ का जी ओपीजी कराना है, अभी हम जा रहे हैं हसन डंडल की तरफ ओपीजी करा के फिर आपको एक्सरे तो बाद व्यूअर्स पता लग सी भाई अंदर का जरा सिस्टम है, उस तो बाद तुम दस थोड़ा थोड़ा प्रोसेस चलता है ओपीजी करना है। ये जी अवैस का एक्सरे होने लगा है, तो जैसे अवैस भाई का एक्सरे मुकम्मल होता है एक्सरे इशुआएँ होती हैं भी बस उसे बचना होता है। Thank you.
प्रोसेस जो गुजर गया एक्सरे पत्नी हूँ केड़े मिलता है तकरीबन अद्धे घंटे बाद एक्सरे मिलती वह ये असं जमा करसा तो डॉक्टर साहब देख सन एक्सरे देख के तो उस बाद डेट है सन डेट बाद मिलती तो बस सन दोबारा आने पर क्योंकि एक्सरे के जी चीज़ उसी ना मेरे यानी कि दंदा का सार उन्होंने पता लग गया से भी कि दंद कड़ने या कि दंद तार ला के सीधे थे उस तो बाद अगली गल पता लगती हूँ एक्सरे करा छोड़ा हूँ बैठे इंतजार एक्सरे मिल रहा है तो वन के डॉक्टर साहब को दिसा तो उस तो बाद वन के पता लगती भाई सारा दंदा का के प्रोसेस जी है वैस भाई का एक्सरे हमने निकाल लिया है आप चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ व्यूअर्स हूँ डॉक्टर साहब ही आने पे उन्होंने एक्सरे दिखा तो उस बाद सेशन भी ज़्यादा मसला के रहे टेंशन बहुत आनी पी क्योंकि उस एक छोटा जहा इशू आता पे है जो मेरा साइड वाला जो है ना डंद वो बहुत टेढ़ा है तो एक्सरे वाला भाई दसा पे वो बिल्कुल बाहर निकल सी गाइस मेरी फाइल तैयार की गई है तो चूंकि हूँ डॉक्टर साहब फाइल तैयार की थी दोनों आके तकरीबन महीने बाद आना पड़ेगा रिवर्स सारी फाइल तैयार की गई है तो एक महीने बाद मैं आना है एक महीने बाद नहीं एक हफ्ते बाद अपॉइंटमेंट हो सी तो इंशाल्लाह बाद द्वारा ब्लॉग टाइम टू टाइम दसा तो एक अवैध मुकम्मल ब्लॉग असा जैसे दंद चेंजेस आ सी बहुत ज्यादा रोड से विलाग ही नहीं बनाना चाहिए आदन भाई आजकल लोग मोबाइल खास के अवैस बैठा है मैं भी बैठा हूँ हमने जो है ना पराठे ऑर्डर कर दिए हैं ये है कराची क्वेटा नाइट्स कैफे तो अब जो है ना ये हमारे इंतजार में भूख लग रही है और पराठे खाएंगे तो अवैस भाई इन आपको मजा आएगा ये हर पास के आगे मजीद अवैस में बात करें कोई चावल वगैरह रोटी वगैरह खाने वास्ते सोए भाई लागे मेरे दिल की तभी पराठा वास्ते अस पराठे होटल गोल गोल एक जगह आ गया इतने देर रात पराठे चल रहे असर बैठे इंतजार पराठे इंतजार पराठे नज़ारे बैठे थे मोबाइल ही लगे पाया एक फोन आया उन भाई का कि उन्होंने काम में फोन करने आ गए बाद वाला काम लेने आ अरे खाना खाने का टाइम है पराठा अंडा चाय दिए जी देर है अस नाश्ता करने पे तो सामने दा वजो टाइम रात दे लेकिन अस नाश्ता करने लच्छेदार पराठा है ये वाला हाल हम रेटे साव ही मत का वाला तो बस साव ही मत खा के तो सामने तो आवे तो अस तो शुरू करने पे चाय भी आ गई लो जी व्यूअर्स चाय भी आ गई एक पराठा और लाने भाई सॉरी अंडा चले तो सही आमना तो आओ इन्हें तो असर तो शुरू करें लोग 50 रुपए में नाश्ता करते हैं अंडा पराठा चाय असर 550 रुपए पराठा खा गए हैं ये तो पता ये ना समझो कि असर 550 का नाश्ता कीजिए तो थोड़ा कितना सही राज के असर उन अपना एक्सरे वगैरह कराया डॉक्टर को चेक कराया तो चेक करा के हूँ असा इतने आया असा खाना खाना आई तो मैं भाई आ गया भाई असा खाना ना खाते नाश्ते के मूड आई नाश्ता किया से असा होटल खोले एक घंटे होटल से आए जिसे नाश्ता आई तो हूँ नाश्ता करके हूँ मैं घर बहना पाया शोएब साहब के मैं ट्रेन के निकले मैं घर छोड़े तो छोड़े ना चलो और कपला आज का विलाग करेंगे खत्म अगर तुम मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके